दुलारी आराम से। कहा है ना फुआ के अम्मा कि इतना नाचा था कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे दुलारी मालपुआ खाओ, उसमें तो और स्वाद है। हाँ मालपुआ तो भाई बनता है, मीठा खाए बिना तो हम रह ही नहीं सकते ना। मतलब कड़वा पकौड़ा खाने के बाद ना मालपुआ का स्वाद जो है। आत्मा तृप्त हो गया। पकौड़ा स्वादिष्ट है, मतलब मालपुआ तो खाली मीठा है ना। आज दोनों बहुरियों ने रसोई संभाला है, ये बहुत खुशी का बात है। बड़की बहुरिया ने खाना बनाने का कोशिश किया और बनाया भी, तो ये इनाम की हकदार है। ये लो, ये हमारा आशीर्वाद समझ के रख लो। आज के अगर स्वाद के हिसाब से देखे तो सृष्टि बहुरिया के खाने का कोई मुकाबला नहीं, इसलिए असली इनाम की हकदार सृष्टि बहुरिया है। सृष्टि ईलो, ये हमारा आशीर्वाद है तुमको, अन्नपूर्णा तुम्हारे हाथ में विराजमान रहे। आशीर्वाद के रूप में दे रही हैं तो हम रख लेते हैं। नखरा तो देखो, जैसे महाराजा की बेटी है। माँ एक पकौड़ा दीजिए ना। अरे तुम ही खीर खाओ बेटा, पकौड़ा बाद में खा लेना है। दादी अम्मा, आज आप सब लोगों ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। हमारा मुकाबला एक ऐसी चीज के साथ रख दिए जो हमने कभी किया ही नहीं। हम तो फिर भी कोशिश किए हैं, लेकिन इनाम ले गई ये कानून की देवी। उसको आता है खाना बनाना, उसने बना लिया, हमें नहीं आता है। अब कराइए निशानेबाजी का मुकाबला, फिर देखते हैं कौन जीतता है। अरे रागिनी बहू, ये तो एक रस्म था और कुछ नहीं। लेकिन इनाम तो मुकाबले में ही मिलता है ना, और मुकाबले में एक का हारना बहुत जरूरी होता है, और हमें हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। बराबरी का मुकाबला कराइए, हम तो फिर भी कोशिश कर लिए, ये तो एक मटका नहीं फोड़ पाएगी गोली से, बता रहे हैं आपको। कराइए, कल ही कराइए आप मुकाबला। आपका नाश्ता रखा है, नाश्ता खा लीजिए। ये आप बनाई है? नहीं, आपकी काकी ने बनाया है, खा लीजिए आप। लेकिन हम तो नाश्ते से पहले प्रसाद खाते हैं। हम एक काम करते हैं, हम दादी से प्रसाद लेके आते हैं, फिर नाश्ता खाएंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम प्रसाद ले आए हैं, वहीं टेबल पर रखा हुआ है। नाश्ता कर लीजिए आप। अरे ठाकुराइन कहाँ हो, दर्शन दीजिए, नई बहुरिया की सेवा में ही लगी रहेंगी का। आ गए आप लोग, आइए आइए। अरे ई का हम तो सोचे थे कि तुम्हारा भाग्य खुल गया ठाकुराइन, दोनों बेटे एक साथ निपट गए, वो लायक भी और विशु भी। बाकी देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुओं के आते ही घर का भी हिस्सा हो गया। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बाबूजी का सम्मान के लिए
बिना कोई सवाल के हमारे यहाँ आ गई हो तो का इस घर का इज्जत उसका कौनो फिक्र नहीं है तुमको? वहां नीचे गांव की औरतें तुम दोनों बहुओं की मुंह दिखाए के लिए बैठी है, अगर तुम नहीं आई तो उनको बात करने का मौका मिल जाएगा, घर का कच्चा चिट्ठा वहां चौपाल तक पहुंच जाएगा, अनुराग के बाबूजी का बड़ा बेइज्जती होगा, और अगर तुम आ गई तो इस घर का मान बढ़ जाएगा। अभी तुम्हारे हाथ में है कि ना कहकर इस घर का जगहसाई करवाना है या बहू बनकर मुंह दिखाई करवाना है। अरे डरे ए बाबू, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई बाबूजी कहाँ है? एक ठो नाम बड़ा टेंडर निकलने वाला है आज, तो बाबूजी उन्हें गए और हमको एक ठो काम दे के गए, इसलिए हम साथ नहीं गए। ठीक। अरे भाई कहाँ इतना जल्दी में हो यार, रुको ना, तुम बात करते हैं। कहिए कहिए। पता है तुमको बाबूजी तुमको एक ठो और ही बड़ा काम दे के गए थे, याद है वो हरिहर सिंह का क्या रिश्ता है वकील की लड़की के साथ? ये पता पराग भैया, हम ना अपना पूरा आदमी छोड़ दिए, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हम हूं नारद हैं नारद। अच्छा, बहुत जल्द पता चले जाए। हम बताते हैं, ये है हमारी बड़की बहू और ये छुटकी। अब हमरे पास पहले छोटकी बहू बैठी है, तो हम पहले इसको ही देखेंगे। अरे वाह, भाग खुल गया तुमने खोटे सिक्का का। बड़ी सुंदर दुल्हन पाया है विशु, हमें तो लगा था उसका शादी ही नहीं होगा, लेकिन समय बदल गया है, अब कुछ हो सकता है। आप सही कह रही हैं, समय बदल गया है, आज हमें आपके पैसे से ज्यादा जरूरत आपके आशीर्वाद की है, बस वही दीजिए। बहुत समझदार है तुम्हारी बहू, हमें ना सिखाओ ठकुराइन, चावल के एक दाने से पतीले का पता लगा लेते हैं। का पता लगाए आप, हमरा मुंह मत खुलवाओ ठकुराइन, हमें पता है कि तुम्हारे दोनों बहुओं के आते ही ना तुम्हारे घर का बंटवारा हो गया, और ये भी पता है तुम्हारे बड़के बेटे का बारात विकराल सिंह उठा लिया था, और तुम अपने मंद बुद्धि बेटे की शादी एक मजबूर आदमी की बेटी से की हो, ताकि इसमें तुम्हारा बकलोल बेटा भी निपट जाए। हमारा मुंह मत खुलवाओ ठकुराइन, हमें तुम्हारे घर का सब पोल पट्टी पता है, हमें तो ये भी मालूम है कि हवेली का खाली दीवार बचा है, नीम में तो कछु बचा ही नहीं है, बचा होता तो आपके सामने हम मुखिया नहीं बन जाते। बतियाने चली हमसे फिरंगियों की तरह ना, फटाफट यहाँ से निकलो, नहीं तो वो हाल करूंगी कि मुंह दिखाती रह जाओगी लेकिन कोई देखना पसंद नहीं करेगा, समझी? वाह, आज तो बहुत ही मजा आ गया, भाभी ने का सबक सिखाया मुखिया इनको, उसकी तो बोलती बंद हो गई। उसने जो किया वो सही तरीका नहीं था। इलो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए, आराम से अपने कमरे में जाके खोल के देखना। ये का है? क्या ये? यही तो हमें जानना है कि इसमें का है। लंदन की दो टिकट्स, वो भी हनीमून के लिए।